दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे राम मंदिर अयोध्या की। अगर आप राम मंदिर अयोध्या के बारे में जानकारी चाहते हैं तो यह वीडियो जरूर देखिए, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद। राम मंदिर अयोध्या उत्तर प्रदेश में स्थित भारत में आंशिक रूप से निर्मित हिंदू मंदिर परिसर है। कई हिंदुओं का मानना है कि यह राम जन्मभूमि स्थल पर स्थित है, जो राम की पौराणिक जन्मभूमि है, हिंदू धर्म के एक प्रमुख देवता है। मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद किया गया था। अपने उद्घाटन के पहले दिन अभिषेक के बाद मंदिर में 5 लाख से अधिक आगंतुकों की संख्या उमड़ पड़ी और एक महीने के बाद दैनिक आगंतुकों की संख्या 1 लाख और 1,50,000 के बीच बताई गई। मंदिर का स्थल भारत में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक तनाव का विषय रहा है, क्योंकि यह बाबरी मस्जिद का पूर्व स्थान है, जिसे 1528 और 1529 के बीच बनाया गया था। अदालत के फैसले के बाद 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत के लिए भूमि पूजन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। वर्तमान में निर्माणाधीन मंदिर परिसर की देखरेख श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा की जा रही है। हिंदू धर्म में राम का महत्व। राम एक प्रमुख हिंदू देवता है, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है और कुछ हिंदू राम को परब्रह्मा मानते हैं। राम का हिंदू संस्कृति और धर्म में बहुत महत्व है। राम अवतार में विष्णु को अपनी किसी भी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन नहीं करना पड़ता और मानव के रूप में जीवन व्यतीत करना है। जैसा कि कहा जाता है कि राम में 16 आदर्श गुण थे। हिंदू राम को पुरुषोत्तम और आदि पुरुष के रूप में देखते हैं। हिंदू महाकाव्य रामायण के अनुसार राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। राम मंदिर का इतिहास। यह स्थल बाबरी मस्जिद का पूर्व स्थान है, जिसे 16वीं शताब्दी में बनाया गया था। 1992 में मस्जिद पर हमला किया गया और उसे ध्वस्त कर दिया गया। 2019 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने विवादित भूमि को मंदिर निर्माण के लिए हिंदुओं को देने का फैसला सुनाया, जबकि मुसलमानों को मस्जिद बनाने के लिए कहीं और जमीन दी जाएगी। मध्यकालीन इतिहास। 1528 में मुगल साम्राज्य के कमांडर मीर बांकी ने बाबर के आदेश पर राम के पौराणिक जन्म स्थान राम जन्मभूमि स्थल पर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। मस्जिद का सबसे पहला रिकॉर्ड 1767 में लैटिन पुस्तक डिस्क्रिप्टिव इंडिया में पाया जा सकता है, जिसे जेसुइट मिशनरी जोजेफ टिफेनथेलर ने लिखा था। उनके अनुसार स्थानीय आबादी का मानना था कि मस्जिद का निर्माण रामकोट मंदिर को नष्ट करके किया गया था, जिसे अयोध्या में राम का किला माना जाता है और बेदी, जहां राम का जन्म स्थान स्थित है। मंदिर का आधुनिक इतिहास। विवादित स्थान। धार्मिक हिंसा का पहला मामला 1853 में दर्ज किया गया था। दिसंबर 1858 में ब्रिटिश प्रशासन ने विवादित स्थल पर हिंदुओं को पूजा करने से प्रतिबंधित कर दिया था। मस्जिद के बाहर अनुष्ठान करने के लिए एक मंच बनाया गया था। 23 दिसंबर 1949 की रात को बाबरी मस्जिद के अंदर राम और सीता की मूर्तियां स्थापित की गई और अगले दिन से भक्त यहां पर इकट्ठा होने लगे। 1950 तक सरकार ने धारा 145 CRPC के तहत मस्जिद को अपने नियंत्रण में ले लिया और मुसलमानों को नहीं बल्कि हिंदुओं को इस स्थान पर पूजा करने की अनुमति दी। बाबरी मस्जिद का विध्वंस। 6 दिसंबर 1992 को VHP और भारतीय जनता पार्टी ने 1,50,000 स्वयं सेवकों, जिन्हें कार सेवक कहा जाता है, को शामिल करते हुए इस स्थल पर एक रैली आयोजित की। रैली हिंसक हो गई। भीड़ ने सुरक्षा बलों पर हमला कर दिया और मस्जिद को गिरा दिया। मस्जिद के विध्वंस के परिणाम स्वरूप
भारत के हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच कई महीनों तक अंतर सांप्रदायिक हिंसा हुई, जिसके प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में बॉम्बे में अनुमानित 2000 लोगों की मौत हुई और पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में दंगे भड़क उठे। बात करें एएसआई उत्खनन की, एएसआई द्वारा 1978 और 2003 में किए गए दो पुरातात्विक उत्खनन की रिपोर्टों में दावा किया गया था कि इस बात के प्रमाण मिले हैं कि उस स्थान पर एक मंदिर मौजूद था। आलोचकों द्वारा इन दावों को विरोधाभासी और अविश्वसनीय बताकर भारी विवाद किया गया। पुरातत्वविद के मोहम्मद ने कहा कि 1978 में एक हिंदू मंदिर के अवशेष पाए गए थे और कई इतिहासकारों पर विवाद के समाधान को टालने का आरोप लगाया। न्यायालय के फैसले। मंदिर ने एएसआई की 2003 की रिपोर्ट को साक्ष्य के रूप में संदर्भित किया, जिसमें ध्वस्त बाबरी मस्जिद के नीचे एक संरचना की उपस्थिति का सुझाव दिया गया था जो गैर इस्लामिक पाई गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक फैसले में निष्कर्ष निकाला कि मस्जिद के नीचे अंतर्निहित संरचना एक इस्लामिक संरचना नहीं है, और यह भी निष्कर्ष निकाला कि कोई सबूत नहीं मिला कि बाबरी मस्जिद के निर्माण के लिए विशेष रूप से गैर इस्लामिक संरचना को ध्वस्त किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का एक अन्य मुख्य पहलू हिंदुओं के उस दावे के सवाल पर है जिसमें उन्होंने विवादित संरचना को राम का जन्म स्थान बताया था। न्यायालय ने देखा कि हिंदुओं का दावा निर्विवाद है और कहा कि इस बात के स्पष्ट सबूत हैं कि हिंदुओं का मानना है कि वह स्थान राम का जन्म स्थान था। ट्रस्ट का गठन और निर्माण की शुरुआत। ट्रस्ट का गठन अंततः श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के नाम से किया गया। 5 फरवरी 2020 को भारत की संसद में घोषणा की गई कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने मंदिर निर्माण की योजना को स्वीकार कर लिया है। दो दिन बाद 7 फरवरी को अयोध्या शहर से 22 किलोमीटर दूर धन्नीपुर गांव अयोध्या में एक नई मस्जिद के लिए 5 एकड़ भूमि आवंटित की गई। मंदिर की वास्तुकला। राम मंदिर का मूल डिजाइन 1988 में अहमदाबाद के सोमपुरा परिवार द्वारा तैयार किया गया था। सोमपुराओं ने कम से कम 15 पीढ़ियों से दुनिया भर में 100 से अधिक मंदिरों के डिजाइन में योगदान दिया है, जिसमें सोमनाथ मंदिर भी शामिल है। मंदिर के मुख्य वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा थे, जिन्हें उनके दो बेटों निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा ने सहायता प्रदान की, जो स्वयं भी वास्तुकार है। हिंदू ग्रंथों, वास्तुशास्त्र और शिल्प शास्त्रों के अनुसार मूल में कुछ बदलावों के साथ एक नया डिजाइन 2020 में सोमपुराओं द्वारा तैयार किया गया था। मंदिर 250 फीट चौड़ा, 380 फीट लंबा और 161 फीट ऊंचा होगा। पूरा होने पर मंदिर परिसर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बनेगा। इसे नागर शैली के मारू गुर्जर वास्तुकला में डिजाइन किया गया है, जो मुख्य रूप से उत्तरी भारत में पाई जाने वाली हिंदू मंदिर वास्तुकला का एक प्रकार है। प्रस्तावित मंदिर का एक मॉडल 2019 में प्रयाग कुंभ मेले के दौरान प्रदर्शित किया गया था। मंदिर की मुख्य संरचना 3 मंजिलों वाली एक ऊंचे मंच पर बनाई गई है। गर्भगृह के मध्य में और प्रवेश मार्ग पर इनके 5 मंडप हैं। पहली मंजिल पर स्थित श्री राम दरबार में 5 हॉल है। नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप। नागर शैली में मंडपों को शिखर से सजाया गया है। देवता की मूर्तियों से सुसज्जित इस मंदिर के कोनों में सूर्य, भगवती, गणेश और शिव के लिए समर्पित मंदिर हैं। अन्नपूर्णा और हनुमान मंदिर उत्तरी और दक्षिणी भुजाओं पर है। नींव में 14 मीटर मोटी रोलर कॉम्पैक्ट कंक्रीट की परत है, जो कृत्रिम चट्टान जैसे दिखती है, जिसमें नमी से बचाव के लिए 21 फुट ग्रेनाइट का प्लिंथ है, जिससे लोहे का उपयोग नहीं होता। बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए रैंप, लिफ्ट और सुविधाओं के साथ पहुंच सुनिश्चित की गई है। 25,000 तीर्थयात्रियों के लिए सुविधा केंद्र चिकित्सा और लॉकर सेवाएं प्रदान करता है। पर्यावरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए 70 एकड़ क्षेत्र के
17% हिस्से को हरित क्रांति के रूप में संरक्षित किया गया है, जिसमें जल संरक्षण पर जोर दिया गया है। मंदिर में कुल 366 स्तंभ हैं। स्तंभों में से प्रत्येक में 16 मूर्तियां हैं, जिनमें शिव के अवतार, 10 दशावतार, 64 योगिनियां और देवी सरस्वती के 12 अवतार शामिल हैं। सीढ़ियों की चौड़ाई 16 फीट है। विष्णु को समर्पित मंदिरों के डिजाइन को समर्पित शास्त्रों के अनुसार गर्भगृह आकार में अष्टकोणी हैं। मंदिर 4 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जबकि शेष 23 हेक्टेयर भूमि को एक प्रार्थना कक्ष, एक व्याख्यान कक्ष, एक शैक्षिक सुविधा और एक संग्रहालय और एक कैफेटेरिया सहित अन्य सुविधाओं के साथ एक परिसर में विकसित किया गया है। मंदिर समिति के अनुसार लार्सन एंड टुब्रो ने मंदिर के डिजाइन और निर्माण की निःशुल्क देखरेख करने की पेशकश की और परियोजना का ठेकेदार बन गया। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान और बॉम्बे, गुवाहाटी और मद्रास ITI ने मिट्टी परीक्षण, कंक्रीट आपूर्ति और डिजाइन जैसे क्षेत्रों में सहायता की। निर्माण कार्य राजस्थान के बांसी से 6,00,000 क्यूबिक फीट बलुआ पत्थर से पूरा किया गया है। मंदिर के निर्माण में किसी भी लोहे और स्टील का उपयोग नहीं किया गया है और पत्थर के ब्लॉकों को जोड़ने के लिए 10,000 तांबे की प्लेटों की आवश्यकता पड़ी थी। मंदिर का भूमि पूजन समारोह। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मार्च 2020 में राम मंदिर के निर्माण का पहला चरण शुरू किया। भारत में COVID-19 महामारी लॉकडाउन के कारण निर्माण कार्य अस्थायी रूप से स्थगित हो गया था। भूमि पूजन के अवसर पर रामलला की पोशाक, राम की मूर्ति के चौथी पीढ़ी के दर्जी भागवत प्रसाद और शंकर लाल द्वारा सिली गई थी। 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन के बाद मंदिर निर्माण आधिकारिक तौर पर फिर से शुरू हुआ। 3 दिवसीय वैदिक अनुष्ठान भूमि पूजन समारोह से पहले आयोजित किया गया था, जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा आधारशिला के रूप में 40 किलो चांदी की ईंट की स्थापना किया गया था। ठीक इसके एक दिन पहले 4 अगस्त को सभी प्रमुख देवी देवताओं को मंदिर में आमंत्रित करने के लिए राम के चरणों की पूजा की गई थी। भूमि पूजन के अवसर पर भारत भर के कई धार्मिक स्थलों से मिट्टी और पवित्र जल एकत्रित किया गया था, जैसे प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का त्रिवेणी संगम, कर्नाटक के ताल कावेरी में कावेरी नदी का उद्गम स्थल और असम में कामाख्या मंदिर। मंदिर को आशीर्वाद देने के लिए देश भर के विभिन्न हिंदू मंदिरों, गुरुद्वारों और जैन मंदिरों के साथ साथ 4 धाम में 4 तीर्थ स्थलों से भी मिट्टी भेजी गई थी। मंदिर का अभिषेक। 22 जून 2023 को मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने घोषणा की कि 3 मंजिला मंदिर का भूतल पूरा हो गया है और जनवरी 2024 को भक्त के लिए खुलने की उम्मीद है। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने घोषणा की कि हिंदू ज्योतिषियों ने 22 जनवरी 2024 को अभिषेक समारोह के लिए शुभ तिथि के रूप में चुना है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारी में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रामोत्सव के लिए 100 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित किया था। मंदिर परिसर और इसके आसपास कई सुरक्षा उपाय किए गए थे। भारत सरकार और कुछ राज्य सरकारों ने आधे दिन की छुट्टी घोषित की थी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को नवनिर्मित मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए आमंत्रित किया गया था। तैयारी में उन्होंने 11 दिनों का उपवास किया, केवल नारियल पानी और फल खाए और रात में जमीन पर सोए। उन्होंने 22 जनवरी 2024 को दोपहर 12:15 से 1:15 तक प्राण प्रतिष्ठा समारोह किया। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रत्येक भारतीय से इस अवसर को चिन्हित करने के लिए दिए जलाने और इसे दिवाली की तरह मनाने का आग्रह किया था। अतिथि सूची में प्रमुख उद्योगपति, वैज्ञानिक, अभिनेता, सेना अधिकारी, आध्यात्मिक नेता और पद्म पुरस्कार विजेता भी शामिल हुए थे। यह कार्यक्रम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र द्वारा आयोजित किया गया था। यह थी राम मंदिर की संपूर्ण जानकारी। यह जानकारी का आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।
साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।